लड़कियों को गुमराह कर बेचने वाले गिरोह गिरफ्तार, थाने में हुई पिटाई। कैंट पुलिस ने राजापुर क्षेत्र से लड़कियों बहला फुसला कर बेचने वाले गिरोह के 3 महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया, जबकि इनके 2 साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी महिला अधिकार संगठन द्वारा एक लड़की के गायब होने के बाद की गई है। महिला अधिकार संगठन की कार्यकर्ता के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में नेहा, खुशबू, गुड्डी और अंकित राजपुर का निवासी है। राजापुर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती 2 दिन पूर्व घर से गायब हो गई। घटना के संबंध में किशोरी की बहन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। काफी छानबीन के बाद पुलिस युवती का पता नहीं लगा पाई। गायब किशोरी की बहन अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए महिला अधिकार संगठन के पास गई। महिला अधिकार संगठन के कार्यकर्ताओं ने किशोरी को ढूंढने में लगे तो पता चला कि राजापुर में एक गैंग सक्रिय है जो किशोरावस्था की लड़कियों को बहला फुसला कर बेच देते हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कैंट थाने की पुलिस के साथ नेहा नाम की महिला के घर छापेमारी की। पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह युवती को नहीं जानती। पुलिस ने जब सख्ती की तो नेहा की निशानदेही पर सिविल लाइंस ने खुशबू और अंकित को गिरफ्तार किया। थाने में जमा महिला संगठन की कार्यकर्ताओं ने अंकित के कहने पर कि वो लोग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं और बेच देते हैं, अब तक इनके द्वारा कईयों को बेचा जा चुका है, ये सुनते ही महिला संगठन की महिला थाने में ही आरोपी को पीटने लगे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खबर जगत प्रयागराज से एलएन सिंह की रिपोर्ट। आज मैं 1 हफ्ते से थाने आ रही हैं। थाना आने के बाद इसको मैला मारा तो कहे कल मैं सुबह 6 बजे लड़की लेके आऊंगा। आज 4थे दिन से लड़की आ रही है। मैं सुबह 6 बजे सुबह नहाने जा रहा हूँ, न मूतने जा रहा हूँ, न मंजन कर रहा हूँ। वो दरोगा साहब ने बदली करके रुपया लेके दिल्ली चला गया। अब एप्लीकेशन वहाँ पड़ा तब एसओ साहब के हाथ में आया तो कहा बूढ़ा मुकदमा दो। हमने कहा बेटा पैसा कौड़ी नहीं है, उसने तो बेच दिया। तो बेच दिया भैया, हिस्सा बांट किया हो तो उसको कबूल कर दो। लड़की कब से गायब है? हमारी ये अगले माबित दिन तारीख बताई थी ना, वो हम भूल जा रहे हैं। तो कौन ले गया था लड़की? नेहा ले गई थी। कोई गैंग है क्या? हाँ, ये पूरा गैंग है। कितने लोग हैं ये लोग? अब गिने का इधर बताइए ना। अरे इधर सामने देखिए, सामने कितने लोग पकड़े गए करे? ये 4 लोग 5 लोग गिने तो बताए भैया। ये लोग लड़की बेचते हैं? हाँ, बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये लड़की को फुसला के 2-4 दिन व्यवहार बना लेते हैं, फिर उसके बाद में खिला पिला के अपने इंडर में कर लेते हैं। फिर एक सहेली की बदनामी होती है तो मकान किराए का खाली कर देते हैं। फिर दूसरे सखी खियाँ जाते हैं, दूसरे सखी खियाँ मालूम चल जाता है तो तीसरे सखी खियाँ जाती हैं, तीसरे को मालूम होता है तो। हमारा नाम गुड्डो जी। क्या मामला है और आपकी बहन कब से गायब है? 22 तारीख से यह गोला घर से, इनको आज धीरे धीरे 1 महीना से 1 महीना होने वाला है इनको। ये नेहा लोन से हर एक चीज़ पूछा जा रहा है, तीनों कह रहे हमें नहीं पता है। ये चारों जो लेडीज हैं इनके साथ 4 जेंट्स हैं, सबसे पूछा जा रहा है, तीनों कह रहे हमसे ना पता है। जब नहीं पता है तो इन लोग आप भाग क्यों रहे हैं? इन लोगों को सीधा सीधा इन लोग बयान दे दें या बता दें लड़की यहाँ हमने देखा, कहीं हमने लड़की रखा, फिर भी इन लोग कहीं नहीं बता पा रहे हैं। उल्टा हम लोग सबको घर में, हमारे थाना पुलिस कह रहे हैं यहाँ आए थे दिखा बताने के लिए थाने में, दरोगा 5000 मांग रहा है। वो दरोगा ये नेहा पता नहीं क्या काम किया था, क्या काम नहीं किया था, कागज को बनाया, दरोगा भाग गया। क्या नाम है दरोगा? नाम नहीं पता हमें दरोगा का। हमारा नाम शिवाली कुमारी है जी, रूपाली नाम है। आज आप लोग ने क्या करा, किसे पकड़ा है? आज भैया हम लोगों ने लड़की अगवा करने वाले गैंग को पकड़ा है, जिसमें से 4 लड़कियां मिल गई हैं। 1 लड़कियां अभी नहीं मिली है, वो नाबालिग है और वो अभी तक गायब है, और जो इन्हीं लोग के पास है मगर ये लोग अभी बता नहीं रहे हैं। अभी तक कितने लोग पकड़े गए हैं? 4, अभी इसमें से 3 लोग पकड़े गए हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनीषा शुक्ला, महिला अधिकार संगठन महामंत्री।